नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, पाठ दो, बचपन, भाग दो। पूर्व में हमने बचपन नामक संस्मरण पढ़ा था। उस भाग में हमने लेखिका के बचपन के बारे में जाना था, यानी उस समय जब लेखिका बचपन की अवस्था में थी तो उन्हें किन किन वस्तुओं का शौक था और उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते थे आदि के बारे में जाना था। अब हम इस भाग में लेखिका की दिलचस्पियों के बारे में जानेंगे। लेखिका अपने बचपन की दिलचस्पियों का वर्णन इसमें करती है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गए। यानी जब लेखिका के बचपन का समय था तो उनके घरों में केवल ग्रामोफोन ही मिलते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं मिलते थे। और लेखिका के बचपन की कुल्फी आज क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फारसी और खसखस के शराब कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी, यानी उस समय कोक पेप्सी भी नहीं मिलती थी, केवल क्या मिलती थी? लेमनेड, कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी जब लेखिका छोटी थी, और कुछ अपने शिमला की यादों का भी इसमें वर्णन लेखिका ने किया है कि जब लेखिका शिमला गई तो वहाँ से उन भाई बहनों की ड्यूटी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने में लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। यहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। यानी जब लेखिका अपने बचपन की अवस्था में थी तो सबसे ज़्यादा उसे चॉकलेट अच्छी लगती थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट भी केवल लेखिका के पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यानी जब लेखिका छोटी थी तो उसे चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती और वह कभी भी खड़े खड़े चॉकलेट को नहीं खाती और रात में बिस्तर में लेटकर वह मज़ा ले चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद है, खट्टे मीठे। यहाँ पे खट्टे मीठे क्या है? विलोम शब्द। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोच करीमों में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। यहाँ पे लेखिका ने अपने शिमला की यादों का वर्णन किया है। जैसा भी आप दृश्य में देख सकते हैं, ये शिमला, यानी इसी का वर्णन लेखिका अपनाए संस्मरण में कर रही है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी लेखिका के बचपन के समय एक फिल्म का गाना चला था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये लेखिका को अभी भी याद है और उसी का वर्णन लेखिका अपने संस्मरण में कर रही है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे लिखा है,
ये कुछ क्या है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और एक लिखा है गिरजा मैदान, गिरजा मैदान यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके रूप में प्रयुक्त हुआ है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी जब बचपन की अवस्था में लेखिका थी तो उस समय उसने शिमला रिज पर भी अनेक प्रकार के मज़े किए और उन्होंने घोड़े की सवारी भी की थी। जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं, ये शिमला रिज है और शिमला रिज पर ये घुड़सवारी करने का दृश्य इसमें दिखाया गया है। अब संस्मरण से बोध प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। यानी बचपन में लेखिका जब थी तो इतवार की सुबह वो क्या कार्य करती थी, ये आपको लिखना है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखिए। फल कौन कौन से संस्मरण में आए हैं, उन फलों के आपको नाम लिखने हैं। फिर गृह कार्य, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। दूसरा प्रश्न, लेखिका के बचपन की कौन कौन सी चीज़ें बदल गई थी। लेखिका और उनके भाई बहनों की ड्यूटी किस में लगती, ये आपको प्रश्न कॉपी में करने हैं सुंदर और शुद्ध लेखनी में। फिर कुछ व्याकरणिक क्रियाएं हैं, जैसे हमने जाना विलोम शब्द, ज़्यादा का विलोम क्या हो जाएगा, कम, पुराने नए, आसान मुश्किल, ऊंचा नीचा, दूर पास, सुबह शाम। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी कुछ अपने को यानी जानकारी नहीं हो रही है, संख्या का इसमें बोध नहीं हो रहा है। फिर ज़्यादा यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। गिरजा मैदान यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। सभी भैया बहनों को ये कार्य कॉपी में करना है। जैसे ये बोध प्रश्न है और क्या है, गृह कार्य है और व्याकरणिक क्रिया। और इस पाठ को आपको एक बार वापस दोहरान करना है। धन्यवाद।